1 दिसंबर 2024 को यमन के हूती ने अदन की खाड़ी में अमेरिका के एक विध्वंसक और 3 सैन्य सप्लाई जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था। इस हमले को लेकर हूती ने दावा किया था कि उसने अमेरिका के इन जहाजों पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलें, एक क्रूज मिसाइल और एक ड्रोन हमला किया था। इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने खुद सामने आकर बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में इस हमले को एकदम सटीक बताया था, लेकिन अब हूती के इस हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये कि अमेरिकी सेना का कहना है कि उसके 2 नेवी डिस्ट्रॉयर जहाजों ने सामने से आ रही हूती की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का कहना है कि हूती ने ये मिसाइलें अमेरिका के मालवाहक जहाजों पर फायर की थी। अमेरिकी सेना का कहना है कि हूती के इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नेवी के यूएसएस स्टॉकेट और यूएसएस ओकेन ने हूती की कई मिसाइलों को गिरा दिया। ये मिसाइलें अदन की खाड़ी से होते हुए अमेरिकी टारगेट्स की तरफ आ रही थी। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स ने हूती की 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों, 3 एकतरफा ड्रोन, 1 एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। सेंटकॉम ने आगे कहा कि अमेरिकी नौसेना के ये डिस्ट्रॉयर अदन की खाड़ी में 3 अमेरिकी झंडे वाले मर्चेंट जहाजों की अगवानी कर रहे थे, जिनके ऊपर हूती ने हमला कर दिया। अमेरिकी सेना ने अपने बयान में आगे कहा कि ये कार्रवाई सेंटकॉम की सेना के अमेरिकी सैनिकों, क्षेत्रीय सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने 13 और 14 नवंबर 2024 के बीच यमन में हूती के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिकी सेना के मुताबिक अमेरिका जेट्स ने हूती के जिन ठिकानों पर हमला किया था, वहाँ पर उसने अपने मॉडर्न हथियार छिपाए हुए थे। अमेरिका के मुताबिक उसने यमन के भीतर उत्तरी आमरान, राजधानी सना, होदेदा प्रांत पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका के इन हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इन हमलों के बाद भी हूती की ताकत में कोई खास कमी नहीं आई है, बल्कि वो अब रोजाना इसराइल के भीतर और लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमले कर रहा है। हूती ने ये तक कह दिया है कि भले ही लेबनान में युद्ध विराम हो गया है, लेकिन तब भी वो इसराइल पर हमला करता रहेगा।